आज तो तुझे बहुत माल मिला है। कैसी है फातिमा? बिहू। अरे वाफुलमती, क्या बात है, आज तो बालों में गजरा है, लिपस्टिक है और हाथ में ये फैशन का दुपट्टा, लगता है आज बहुत कबाड़ मिला है तुझे। कबाड़ तो कम मिला, पर आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। क्या बात है, तो चल मीठा खिला दे इसी बात पे सबको। अरे क्या खिलाए मीठा, दो दिन से तो फूलमती को कम कबाड़ मिल रहा है, मेहनत ज्यादा और पैसे कम, इससे हालात में बेहोश लेती है बेचारी। तो क्या करे, ये कबाड़ इकट्ठा करने कितना चलना पड़ता है, दूर दूर की सोसाइटी तक, फिर भी अच्छा वाला और ज्यादा दाम में बिके ऐसा कबाड़ तो मिलता ही नहीं। ये तो थोड़ा आप लोगों के साथ दो चार बातें कर लेते हैं, थोड़ा नाच लेते हैं तो जीवन जीने जैसा लगता है। और हाँ, ये हाथ पे फैशन का दुपट्टा नहीं है, वो कल अच्छा कबाड़ ढूंढने के चक्कर में हाथ कुछ ज्यादा ही कोड़े में अंदर चला गया और ट्यूबलाइट का कांच लग गया। अरे फातिमा, क्या हुआ, इतनी घबराए सी क्यों है तू आज, किसी ने मारा क्या तुझे? मैं आज वो दूर वाले सोसाइटी में गई थी, मैं उधर से कचरा उठाकर निकल ही रही थी कि किसी ने जोर से आवाज लगाई, चोर चोर चोर, और फिर वो लोग मेरे पीछे भागने लगे, मैं भागी तो पत्थर भी मारा, और तो और मेरे पीछे कुत्ते भी पड़े, मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागी। अरे ये तो रोज का हो गया, अपमान सहो, गालियाँ खाओ, भूखे बिरो, कुत्तों से बचो, मार खाओ, मासिक में टॉयलेट भी ना मिले, उनकी गंदगी भी उठाओ, और कभी कभी वो मुआ चौकीदार भी छू लेता है। इसलिए मैं कहती हूँ लाली की बात सुनो, वो अच्छा काम कर रही है। क्या लाली की बात सुने? ना बाबा ना, लाली तो जरूर कुछ उल्टा सीधा काम करती होगी, पहले हमारे साथ तो आती थी कबाड़ इकट्ठा करने के लिए, अब देखो मैम साहब बनी घूम रही है। कौन सा उल्टा सीधा काम, वो तो वेल्थ सेंटर में काम करती है। अरे बिल्कुल सही कहा रोशनी तुमने, पहले मैं भी आप लोगों के साथ ही कबाड़ इकट्ठा करने जाती थी, मेरी हालत भी आप लोगों जैसी ही थी, अपमान सहो, सुरक्षा भी नहीं और रोज कमाई भी नहीं होती थी। अरे अब देखो, जब से मुझे सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जोड़ा गया, मेरे पास साइकिल है, मैं सम्मान से काम कर रही हूँ, और तो और मेरी नियमित आवक भी है। वो कैसे? सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल होने के बाद हमें म्युनिसिपैलिटी के वेल्थ सेंटर में काम मिला और सीओ दीदी ने हमें वेल्थ सेंटर के साथ जोड़ दिया, अब मैं वहाँ रिक्शा चलाती हूँ। है, तुझे रिक्शा चलानी कहाँ आती थी? हाँ नहीं आती थी, लेकिन हमें वहाँ ट्रेनिंग दी गई रिक्शा चलाने की और साथ ही में कचरे को अलग अलग इकट्ठा करने की, और अगर कोई परेशानी हो तो सच साथी हमें मदद करते हैं, और फिर हमारी सवारी चल पड़ती है वेल्थ सेंटर की ओर। सेंटर पे कचरे का वजन होता है, गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करके खाली कर दिया जाता है, बस इतने से काम के मेरे महीने के 8,000 तो पक्के ही समझो। अब दूर दूर जाकर कबाड़ इकट्ठा करना नहीं पड़ता, बस 6 घंटे तक काम करो और फिर बच्चों का ध्यान रखो, और अगर कोई और भी काम मिल जाए तो वो भी कर लो, है ना सुरक्षित जिंदगी? बात तो सही लगती है। क्या हमें वहाँ काम मिल सकता है? क्या मेरी माँ की उम्र की औरतों को काम मिल सकता है? अरे हाँ हाँ, सबको काम मिल सकता है, बस आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना होगा जिसमें म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी आपकी मदद करेंगे, और ट्रेनिंग लेके आप लोग भी काम कर सकते हो। अरे क्या यही वाला काम, और कोई काम नहीं मिल सकता? हाँ हाँ है ना, सेंटर पे स्वच्छ कर्मी होते हैं, आप लोग ट्रेनिंग लेके स्वच्छ कर्मी भी बन सकते हो। वो क्या करते हैं? स्वच्छ कर्मी MCC में गीले कचरे से खाद बनाने का काम करते हैं, गीले कचरे में EM सॉल्यूशन मिलाते हैं और टब में डालते हैं, जो 42 दिन के बाद खाद बन जाता है, उसे 7 दिन तक और सुखाया जाता है और फिर पैकिंग करके बेच देते हैं। आप सभी भी ट्रेनिंग लेने के बाद ये काम कर सकते हो, और ये काम करते वक्त हमें सुरक्षा उपकरण भी दिए जाते हैं, जिससे कि हमें कोई बीमारी ना हो, हमें कोई चोट ना लगे। नारे ना, मैं गीले कचरे में काम नहीं कर सकती। अरे तो तेरे लिए MRF है ना,
यहाँ सूखे कचरे की और छटनी होती है। सूखे कचरे में से पेपर, कार्डबोर्ड, शैम्पू बोतल, हैंड वॉश बोतल, कलर पॉलिथीन आदि को छांटकर अलग किया जाता है और फिर पैकिंग करके बेच देते हैं कबाड़ी को। ये तो सही है, इसमें तो कचरा खुद हमारे पास चलकर आता है। बिल्कुल सही कहा फातिमा तुमने। तुझे पता है यहाँ हमारे लिए साफ पानी, टॉयलेट और चेंजिंग रूम की भी सुविधा है, ताकि काम खत्म होने पर नहा धोकर घर जा सके। हमारा रेगुलर हेल्थ चेकअप भी तो होता है। और तो और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलता है। अरे बिहू कहाँ चली? अरे मैं तो चली लाली की दुनिया में, नई दुनिया में। अब तो टूटी छत से चांद जरूर अंदर आएगा। तो फूलमती अब तेरा बर्थडे मनाए। हाँ। फूलमती 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 ला 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 ला। फूलमती 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 ला 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 ला। कल मैंने देखा था एक सपना, टूटी छत से चांद आया, पूरी भीगी रे भीगी रे भीगी, पूरी भीगी रे भीगी रे भीगी। हे फूलमती 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 ला 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 ला।